फ्रेंड्स, हम लोग जो भी त्योहार मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है और ऐसी ही एक वजह छुपी हुई है टुसू पर्व को मनाने के पीछे। तो फ्रेंड्स, कल जमशेदपुर में आयोजित डेहरे टुसू पर्व में मेरी मुलाकात दीपक पुनरियार जी से हुई जो धनबाद से आए हुए थे और उन्होंने मुझे टुसू पर्व के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सर जोहार। जोहार। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के साथ धनबाद से एक सर आए हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? दीपक पुनरियार। दीपक पुनरिया, आप धनबाद से आए हैं? जी। ठीक है, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि टुसू पर्व हम लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को होता है, ठीक है, तो आज ये 8 जनवरी को यहाँ लगाने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये समझने का भूल है, टुसू पर्व एक महीने का होता है, पूरे पूस भर। हम तो 14 तारीख को इसका भसान करते हैं, तो भसान वाला दिन हमारा टुसू पर्व नहीं है, उस दिन तो टुसू खत्म हुआ। पूरा पूस भर ये एक महीने का पर्व होता है, इस एक महीने में आप कहीं भी नाच गा सकते हैं। तो सर, हमारे टुसू पर्व की क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे झारखंड में? तो सर देखिए, इम्पोर्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि झारखंड में रहने वाले खास करके कुड़मी कबीला के लोग वो धान की खेती पर निर्भर करते थे। अगर धान हो गया तो साल भर के लिए वह निश्चिंत हो गया। तो इसके जो 12 मासे 13 पर्व हैं सभी धान के साथ जुड़े हुए। कैसे? सो देखिए, जब हमारा रोहन आता है तो वो जेठ का 13 दिन में आता है। उस समय हम लोग रोहन में क्या करते हैं, बीज पुनः करते हैं, मिट्टी में हम लोग धरती के कोख में बीज डालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बीज पुनः, माने बीज डालने का शुरुआत हो गया। तो बीज को जब हम डाल देते हैं तो उस समय गर्मी और नमी दोनों रहता है, जेठ और आषाढ़ बस अगल बगल रहता है, तो धान अंकुरित होता है। तब मेरा पहला पर्व आता है, उसको हम लोग राजा साइल बोलते हैं, जिस समय बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो अंकुर ना टूटे या अंकुर ना कटे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राजा साइल भर हम लोग खेती का काम, मतलब खेती का औजार का उपयोग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा पुरखा ये सोचता था कि जब जिस तरह मेरे खेतों में धान के अंकुर फूटे हैं उसी तरह प्रकृति ने भी अपने बीज पूरे धरती में फैलाए हैं, तो वे भी अंकुरित हैं, और अगर ऐसे समय में जोत कोण करूँगा तो अंकुर टूट जाएंगे। उसके बाद जब धान 6 पत्ते का हो जाता है तो वो रोपने लायक हो जाता है। उस समय हमारा कुड़मी कबीला आषाढ़ी पूजा, जिसको जाताड़ पूजा कहते हैं या गांव पूजा भी कहते हैं या मड़ई पूजा भी करते हैं, उस समय हम लोग करते हैं। तो जात आड़ पूजा कहने का मतलब हुआ कि टू कंजर्व द न्यू बॉर्न, कि धान का फसल जो नया नया जन्मा है उसको संभालेगा कौन, उसको संभालेगी प्रकृति। तो हमारे कुड़मी कबीला के जितने भी देवता हैं, देने वाले हैं, वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, पानी है, धूप है, हवा है, उन लोगों को देवताओं के रूप में वह अपने मड़ई में थापे हुए, अपने गांव में थापे हुए, और उनको उनका हिस्सा वो बलि के रूप में देता है। उसके बाद वो रोपा का काम शुरू करता है। देने के बाद क्या होता है कि घर की जो पुतहू होती है, चाहे जो बहू होती है या माँ होती है, वो धान के बिचड़े को शुरू में उठाती है, जिसको हम लोग कहते हैं बान नभाना। बान मने धान, नभाना मने उतारना, यानी धान के बिचड़े को अलग खेत में डालना। तब से हमारा रोपा शुरू हो जाता है। रोपा मेरा जैसे ही ख़त्म होता है, हमारा एक पर्व आता है मनसा पर्व, जिसको हम बारी पूजा कहते हैं, वह वास्तव में पानी पूजा है। तो क्योंकि जब धान रोपा हो गया तो हमारे किसान को क्या चिंता है कि पानी झरझर बरसता रहे, इसलिए वो मनसा पर्व करता है। उसके बाद क्या होता है, धान अपना बचपन छोड़कर कुंवारपन की ओर जाता है। तो धान जब अपने कुंवारपन की ओर जाता है तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि हमारी कुंवारी लड़कियां गाएंगी, नाचेंगी, ढोल बजेगा, मांदर बजेगा, तो मेरा धान भी खिलखिलाकर बढ़ेगा। तो पूरे गर्म मास में वो अपने कुमारपन को, अपने टीनेज को जीता है, हमारे बच्चे भी टीनेज को जीते हैं। उसके बाद क्या होता है, धान में गर्भ चला आता है, गर्भ चला आता है, उसमें धान की चिपरियां चली आती हैं, उसमें दूध भरने का मौसम आ जाता है। तो दूध कैसे भरेगा, उसके लिए हमारा नहर होता है, उसके लिए हमारी पूजा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जीतिया पूजा। तो जीतिया पूजा आप देखिएगा, जो बच्चे की माँ होती है वही करती है,
क्यों? क्योंकि धान का जरूरत सबसे ज्यादा उसको है। तो हमारे पुरखों ने समझा कि धान का जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? बच्चे की माँ को है। और बच्चे की माँ जब धरती माँ से मांगेगी, सृष्टि माँ से मांगेगी, महामाया से मांगेगी, तो वो देगी। इसलिए आप देखेंगे जीतिया में जितने भी मैंने एलिमेंट्स हैं, जितने भी डालियों को हम काटते हैं उसमें दूध रहता है, जैसे बड़ का, पाकुड़ का, पीपड़ का। उसके बाद मिठास के लिए हम लोग ईख को गाड़ते हैं। तो हमारा जो पर्व है पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर है, धान के खेत पर निर्भर है। धान जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा पर्व बढ़ेगा। इसके बाद क्या होता है, आपका जीतिया जैसे ही खत्म होगा आपका दशहरा आ जाएगा। दशहरा जिसको दशहरा लोगों ने नाम बाद में दे दिया, बाहर की संस्कृति ने उसमें दशहरा कर दिया, वहाँ देवी घुसा दी, लेकिन मेरा दशहरा आज भी जिंदा है। दशहरा में हम लोग क्या करते हैं, गुड़ी छिटका देते हैं खेतों में, जगाते हैं खेतों को कि और लहलहा के बढ़ो। फिर हमारे खेत बढ़ते हैं, उसके बीज ताकतवर होते हैं। उसके बाद आता है चिहुड़ का महीना। चिहुड़ का महीना में क्या करते हैं, हम लोग खरियान छीलते हैं, मतलब थोड़ा सा छील देते हैं, वहाँ पर एक तावा उल्टा लगा देते हैं, उसमें गोबर डोला देते हैं, उसके बाद चिटचिटी काट देते हैं, हिलवा देते हैं कि अब हम काट के खरियान में लाएंगे। और चिहुड़ में क्या होता है कि धान मैचुरेशन फेज में चला जाता है, उसमें रिप्रोडक्टिव पावर आ जाता है। चिहुड़ का मतलब जीव को हुड़ दो मैंने घुसा दो, मैंने धान का बीज इस समय इतना परिपक्व हो जाता है कि वो गिरेगा तो नया धान का बीज दे सकता है। उसके बाद हमारा सोहराय आता है। हमारा पुरखा हमारे पुरखों ने सोचा कि ये जो हमने खेती की अकेले ताकत से तो नहीं की, इसमें मैंने बैलों का सहारा लिया, पशुओं का सहारा लिया, गायों का सहारा लिया, तब जाके मैं खेती कर पाया। तो उनके सम्मान के लिए, उनके नेहर के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनसे क्षमा मांगने के लिए कि मैं तेरे को 6 महीना मारा पिता, तेरे साथ मैं गर्मी झेला, बरसात झेला, भाई के तरह हम लोग दोनों ने जोत पड़ के इस फसल को उगाया और इस फसल पर तुम्हारा पहला अधिकार है, इसलिए उसको मड़ुएर पहनाता है। उसके बाद वो धान काटता है। जब धान काटता है तो वो 3 बूंदा धान छोड़ देता है। अब आप सोचिए कि जो 3 मुट्ठी धान पहले डाला था रोहन में प्रणाम करके धरती मैया के गोद में, तो ये सोचा कि लास्ट को भी तो प्रणाम करके ही लाना होगा। तो उसी को जब वो खरियान में लाता है तो नाम देता है डीनी। और इसी डीनी को पूछ के रात को जब थापा जाता है तो वो हो जाती है टुसु मनी, माने किसान की बेटी। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जेटा खेते धानी सेटा खरियान डीनी और घर ढुकले टुसु मनी। तो किसान इतना खुश हो जाता है कि उसकी बेटी घर आई थी। वो महीना भर पूस भर कुड़मी कबीला जो है रोज नए नए पीठा बनाता है, कभी सीम का चरपा, कभी खपरा पीठा, कभी गोरगोरवा, रोज नए नए चावल के गुड़ी के पकवान वो बनाता है। और लड़कियां उसे अपनी दीदी मानकर, बहन मानकर डेली नए नए फूल देती है। और उसे उस संक्रांत को चौड़ल में, चौड़ल उसका यान है, वो टुसु नहीं है, टुसु तो धान है। तो उस चौड़ल में वो जो स्थापना करती है, तो स्थापना करते समय वो क्या करती है, उसमें 8 कलैया डालती है, मतलब 8 तरह के दाल के बीज, फिर धान को डालती है और फिर फूल को डालती है और उसका पूजा करती है बहन के रूप में कि तू आई है तो खुशहाली आई है। और हमारे पुरखों ने सोचा कि इस धान के बीज को मैंने जंगलों से पाया है और मैं सिर्फ उपयोग करूं तो ये स्वाद होगा, इसलिए उसने उसे बहते नदी में बहा दिया ताकि तू और देश में जा और वहां पर भी तू धान की फसल उपजा। और कैसे धान है अंतिम गीत में आप जान सकते हैं कि पानी हेलोय पानी खेलोय पानी तोर कोने आओ पानी तोर ससुर खा रहो, कि ये धान फिर पानी में जाएगी तो फिर ये अगले साल सृजन करेगी। यही हमारा 12 मास 13 पर्व है, या कोई देवी नहीं है। सर चलिए व्यूअर्स, सर ने हमें कितने अच्छे से हमारे 12 मास 13 पर्व के बारे में बताया। सर एक क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर
लोग देख रहे हैं कि आजकल हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशली जमशेदपुर में ये सारे जो रिचुअल्स हैं ये खत्म होते आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शायद वही डर जो डर आपको लगा है कि हमारे पुरखों के रिचुअल्स, हमारे पुरखों के फेस्टिवल्स, हमारे पुरखों के मास कम्युनिकेशन के जितने भी पैटर्न थे वे खत्म हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि आप कितना भी कहीं चले जाओ, मातृभूमि, मातृभाषा और हमारे वजह में जितने नेक नेकाचार किए वे हमें दिल से नमस्कार है। आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए बिना नेक की शादी नहीं होती, बिना नेता कोई काम नहीं होता। तो उसी को हम लोग कि हमारे युवा उसको करने में गौरव महसूस करें और ये देखें कि हमारे परम में कितना दम है। देखिए कितना दम है, आपके पास अपना म्यूजिक आइटम, आपके पास अपना ढोल है, अपना नगाड़ा है, तो पर नहीं है, अपने गीत, अपनी भाषा है और अपना फेस्टिवल है। हमने किसी से उधार नहीं लिया, उसको अगर हम शहरों में स्थापित नहीं करेंगे तो उसको हम मॉडर्न जमाने को उधार नहीं करेंगे। मॉडर्न जमाने को दिखाने के लिए, शहरों को दिखाने के लिए कि झारखंड में दुनिया की संस्कृति और सभ्यता कोई छोटी नहीं।